वो मैं जानता हूं आप हम दोनों से नाराज हैं। मैं किसी से नाराज वाराज नहीं हूं। आई प्रॉमिस यू आपको इसके बाद से हम दोनों से कोई भी शिकायत नहीं होगी। अलिश्मा भी आपसे सॉरी करने आई है। अलिश्मा तुम्हारी बीवी को जरा तमीज नहीं है बड़ों से किस तरह बात की जाती है खास तौर से सुसर से। और नहीं तो क्या जरा सा भाईजान ने कुछ कह दिया तो उसके तो पतंगे लग गए। मेरी बेटी को भी तो कह रहे थे ना मजाले जवाब दियो मामू को होंट सी है बैठी रे। हिनी की सर चढ़ाई हुई अम्मी कुछ कहते जो नहीं है उसे। तुम चुप रहो ये तुम्हारा मसला नहीं है। आप मामू का गुस्सा मुझ पर मत उतारें। बहरहाल समझा दो अपनी बीवी को अपने घर में जिस तरह चाहे रहे लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। समझा दूंगा। देख के नहीं रख सकती थी अभी मैं गिर जाता तो आप देख के चले ना। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मानो उल्टा तुम मुझे गलत कह रही हो। लिखवा ले मुझसे अंदर जाकर एक लफ्ज नहीं बोलेगा उसको। सारा वक्त तो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं अब ये बात उसे जाकर कह ही ना दे। तुम तो चुप ही रहो। अच्छा चुप नहीं रह सकती। क्यों रहूं मैं चुप। उस अलिश्मा को भी तो पता चले ना जरा उसे भी तो मजा आए। पता नहीं क्या समझती है खुद को। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? अब्बू के पास। नाराज है वो तुमसे माफी मांगू उनसे। सॉरी मैंने ऐसा क्या कहा है जो उनसे जाके मैं माफिया मांगती फिरूं। अलिश्मा बड़ी हैरत की बात है तुम्हें अपने रवैये का एहसास तक नहीं है। यार आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए यासिर? सारे प्यार मोहब्बत इश्क के दावे धरे के धरे रह गए आप। अब घर वाले जो कहेंगे वो ही मानेंगे आप है ना? तुम्हें ना अब्बू को इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए था। बड़े हैं वो। आपने तो मुझे बताया था कि मुझसे शादी के लिए अपने अब्बू और अम्मी से काफी बहस की थी आपने। वो और बात थी मेरी पूरी जिंदगी का मामला था। तो मेरी भी पूरी जिंदगी का मामला है। मैं अपनी जिंदगी ना अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। कौन रोक रहा है तुम्हें? गुजारो ना अपनी मर्जी से प्लीज गुजारो लेकिन इस सब में बड़ों की इज्जत उनका रुतबा तो मत भूलो ना। लिश्मा मैं जानता हूं अब्बू को बहुत अच्छे तरीके से। उनकी नाराजगी इस तरीके से खत्म नहीं होगी जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांग लोगी। सो प्लीज चलो मेरे साथ। मैं सिर्फ आपकी वजह से वहां जाऊंगी और मुझसे ये तवक्को मत करिएगा कि मैं वहां जाके हाथ पैर जोड़ूंगी। उसके लिए किसने कहा तुमसे? मैं तो नहीं कह रहा मैं सिंपल कह रहा हूं कि एक छोटा सा सॉरी करो एंड दैट्स इट। अच्छी जबरदस्ती है इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके तैयार हुई थी मैं। वो तो तुम रोज ही होती हो लिश्मा कल फिर हो जाना। मैं नहीं जाऊंगी इस तरह मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी ताकि उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि सारी मेहनत में पानी फेर दिया है। जैसे तुम्हारा दिल चाहे लेकिन प्लीज चलो। अभी तो चलो ना चल ही रही हूं। अच्छा भाई मुझे तो नींद आ गई मैं तो लगाऊं सोने। तुम सोने लगो तो बत्ती बुझा देना। अलिश्मा प्लीज अपना मूड ठीक कर लो अब्बू के कमरे में ऐसे जाओगे। ऐसा ही है मेरा मूड चलना है तो चले वरना मैं वापस। अच्छा ठीक है ऐसे ही चलो। हर वक्त कहीं जमी बैठी रहती है। किसी दिन ना आपकी कजन पिट जाएगी मेरे हाथों कैसे तंजी हंसी मुस्कुरा रही है। अच्छा भी उसको इग्नोर करो तभी कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। आप डरते हैं सर मैं नहीं डरती। मैं डरता नहीं हूं उससे बस ये जो ड्रामे करती है ना उससे मेरा दिल घबरा जाता है। चलो
कैसा फोन आ गया? मैं देखती हूँ ठहरे। हाँ क्या हुआ? अबू सो गए? नहीं बस अभी सोने वाले। अबू से बस 5 मिनट के लिए बात करनी थी। सुने वो यासिर और लिशमा है, कुछ बात करनी है आपसे। इस वक्त तुम्हें नींद आ रही है, उससे कहना सुबह बात करें। अबू प्लीज बस थोड़ी देर। क्या बात है? आओ बैठो। क्या कहना चाह रहे हो? मैं जानता हूं आप हम दोनों से नाराज हैं। मैं किसी से नाराज वाराज नहीं हूं। आई प्रॉमिस यू आपको इसके बाद से हम दोनों से कोई भी शिकायत नहीं होगी। अलिश्मा भी आपसे सॉरी करने आई है। अलिश्मा अब उसे बात करो। अंकल मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। देखो बेटा, बच्चे अपने बुजुर्गों से इज्जत और एहतराम के साथ बात करते ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर के बड़े इस इज्जत को डिजर्व करते हैं। सबको तुम ही से शिकायत है। देखो तुम अपने घर में कैसे रहती थी, क्या करती थी, भूल जाओ उसे। अब यही तुम्हारा घर है, इस घर की जिम्मेदारी कामकाज में हिस्सा लोगी तभी तो तुम्हें ये अपना घर लगेगा। कवारी लड़की और शादीशुदा लड़की के तौर तरीकों में बहुत फर्क होता है, तुम्हें तो ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए। जी कोशिश करूंगी मैं। शाबाश। ठीक है या कुछ और? वादा अब तुमसे नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ जाके आराम करो, जाओ बेटा। और सुबह जरा वक्त पे उठ जाना। शब खैर। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।